जब आप यंग होते हो यानी अपने 20s और 30s में, तो आपके पास रिटायर होने के लिए बहुत टाइम होता है, लगभग 25 साल। तो आपको किसी भी डेट फंड में, जैसे बैंक FD में या यूलिप में या कोई भी ऐसी आलतू फालतू स्कीम में जहां पर आपको 8-10% का रिटर्न मिलता है, तो वहां आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है और जरूरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो फिर ये सब स्कीम आपके कुछ काम की नहीं है, ये सिर्फ आपके रिटर्न को कम करती है। जैसे अगर आपको कोई बैंक ऐसी स्कीम देती है जिसमें आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस बोनस गिफ्ट मिल रहा है और उसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो 8-10% की रेट से ग्रो होता है, तो ऐसे स्कीम्स आपके रिटर्न को नीचे खींच रहा है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना चाहिए। और अगर आप कोई ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जहां पर एक्सपेंस रेशियो 1% की जगह आपसे 1.8% की फीस ली जा रही है, तो लॉन्ग टर्म में आपको कितना नुकसान होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए जब भी आप किसी अच्छे इन्वेस्टर से एडवाइस लोगे, तो वो आपको इंडेक्स फंड ही सजेस्ट करेगा जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है। और इस टॉपिक को मैंने एक वीडियो में एकदम डिटेल में समझाया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।